Yes, next question देखते देखिए क्या है. Question है P N comma R equal to 2520 and C N comma R, समझाने के लिए लिख रहा हूँ 2110. What is the value of N plus 1 comma R plus 1 C, ऐसे करके लिख दिया है. क्वेश्चन समझिएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन प्लस सी. अब सुनिए, एन सी आर इक्वल टू 21 दिया है, समझाने के लिए लिख रहा हूं. एन पी आर दिया है 2520 और आपसे पूछा है एन प्लस वन सी आर प्लस वन क्या होगा. क्वेश्चन बहुत अच्छा है. एन सी आर होता है एन पी आर अपॉन फैक्टोरियल आर, दिस इज 21. यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल आर इक्वल टू, ये रिजल्ट वैसे याद रखिएगा आगे भी काम आता है, फैक्टोरियल आर इक्वल टू एन पी आर अपॉन एन सी आर. इसका मतलब ये हुआ कि 2520 अपॉन 21, देखिए अगर आप कैंसिल करें तो 1 टाइम्स फिर 4 120. अगर फैक्टोरियल आर 120 है तो आर कितना हो गया 5. एक सेकेंड में समझ में आ गया, आर 5 यहां रख दीजिए. तो अगर आपने R की जगह 5 रख दिया तो एन सी 5 इक्वल टू 21, तो N कितना हो सकता है 7. 7 सी, क्योंकि 5 से तो बड़ा होगा, 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, ये देखिए तो N हो गया 7. तो आपको N की वैल्यू भी पता है, R की भी पता है. अब गड़बड़ ये हो सकती है कि जैसे इसमें आपने अगर N पे टिक कर दिया तो मिस्टेक हो सकती है, तो N की जगह रखिए 7. तो 8C6 बताना है, यानी 8C2 बताना है, यानी 8 इंटू 7 अपॉन 2, ये कैंसिल 4 टाइम, तो 28 इज अ राइट आंसर. तो मिस्टेक ये हो सकती है कि कहीं आप गलती से R या N ना लगा दें, आपको N प्लस 1 सी आर प्लस 1 पूछा, नोट कर लीजिए. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है. इफ द कॉन्स्टेंट टर्म, सुनिएगा, इफ द कॉन्स्टेंट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ रूट एक्स माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 10 इज 405, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के. कॉन्स्टेंट टर्म मैंने आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, रिवीजन क्लास में बताया था, कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर जेड के लिए जेड इक्वल टू एन माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू आर. तो अगर मैं इसमें लगाऊं तो बताइए क्या होगा. सिंपली आप बोलेंगे यहां पर कॉन्स्टेंट टर्म मतलब जीरो, 10 माइनस आर इंटू वाई 1 बाय 2 माइनस 2 आर, देन आर इक्वल टू आ गया 2. अब आर की वैल्यू 2 है, यानी बेसिकली आपको के बताना है, तो 10 सी 2 के स्क्वायर ही मिलेगा, दिस इक्वल टू 405, यानी के स्क्वायर इक्वल टू 405 इंटू 2 अपॉन 10 इंटू 9, राइट, 10 इंटू 9. अगर आप ध्यान दें तो ये कैंसिल 5 टाइम, ये 45 हो गया, तो 9 टाइम, यानी के इक्वल टू प्लस माइनस 3. देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान दीजिएगा. ये शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था कॉन्स्टेंट टर्म के लिए, n माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू आर, क्यू है माइनस 2, आर निकाला 2, यानी आपको थर्ड टर्म जो है वो कॉन्स्टेंट टर्म है. थर्ड टर्म क्या होगा, 10 सी 2 के स्क्वायर नेगेटिव खत्म हो जाएगा, दिस इक्वल टू 405. देखिए 45 है, 45 टाइम जा 450, उससे ये 45 कम करो तो कंप्लीटली कैंसिल हो गया, राइट. नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, सिंपल क्वेश्चन है, पहले राउंड वाला क्वेश्चन है. 210 ए इक्वल टू 310 बी इक्वल टू 1, देन व्हाट इज 10 ए माइनस बी. मैंने बीच में कुछ क्वेश्चन आपको बताते हुए लिए कि सेकंड राउंड के हैं, इसलिए हम फर्स्ट राउंड के पूरे क्वेश्चन नहीं किए. इसका मतलब यह होता है 10 ए, देखिए इस बार दूसरी बार क्वेश्चन आया अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस. अब सुनिए 10 ए कितना है, इस 1 बाय 2, इससे इसको कंपेयर किया, 10 बी कितना 1 बाय 3, जब यहां रखेंगे तो 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 अपॉन 1 प्लस 1 बाय 6, यानी 1 बाय 6 अपॉन 7 बाय 6, आंसर इज 1 बाय 7. बिल्कुल पहले राउंड का एक सिंपल क्वेश्चन, राइट. नोट ऑफ दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है. कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री, राइट. क्वेश्चन काफी सिंपल है, अच्छा है, बहुत जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते हो. आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर, क्योंकि डिग्री के टर्म में देखिए क्या क्या आंसर दिए, 2 1 0
माइनस 19 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, देन 0 इज अ राइट आंसर. कैसे देखिए समझिएगा, अगर इसमें मैं cd लगाऊं तो 2 cos c plus d by 2 cos 60 into cos c minus d by 2 40 यानी 20 minus cos 20. देखिए cos की वैल्यू 1/2 से 1/2 कैंसिल, आपस में कैंसिल. अब मैं बताता हूं कि 2 क्यों नहीं हो सकता. ये cos के वो एंगल है क्योंकि 0 0 पे 1 होता है, 2 के कोई चांस नहीं, 1 का भी कोई चांस नहीं दिख रहा आपको, एंगल ही ऐसा है. तो बचा एक ही आंसर जिसको आप इजीली टिक कर सकते थे, राइट, नोट कर लीजिए. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए ये क्वेश्चन क्या है, समझते हैं जरा. प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन है इफ एंगल सी ऑफ अ ट्रायंगल इज राइट एंगल, यानी एक एंगल जो सी है वो 90 गिवन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10a प्लस 10b. अगर आपको अब इसमें 10c तो दिया नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक बात याद रखिए, a b c 30 60 90 के करस्पोंडिंग a 1 b रूट 3 और c होता है 2. ये मैंने आपको बताया हुआ है. तो अगर आप देखें तो 30 रखेंगे तो 1/√3 एंगल रखा 30 प्लस सी रख, सॉरी यहां पर बी दिया है, सी तो दे ही नहीं सकते, 60 यानी रूट 3, बेसिकली 1 + 3/√3 यानी 4/√3. देखिए जरा कौन सा आंसर 4/√3 देता है. ऑप्शन ए पे जाएं तो ए स्क्वायर में नहीं है, बी पे गए ए स्क्वायर अपॉन बी सी नहीं है, सी पे गए बी स्क्वायर नहीं है, डी पे गए सी स्क्वायर अपॉन ए बी. दिस इज द राइट आंसर, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन ए बी, ए इंटू बी रूट 3. दिस इज द राइट आंसर, सी स्क्वायर अपॉन ए बी. मेथड से भी कर सकते हैं, पर आपको जितना आप टाइम सेव करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, राइट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या है, cot a by 2 minus tan a by 2 equal to, ये क्वेश्चन कई बार बताया है, cot थीटा minus sin थीटा minus tan थीटा equal to cos 2 थीटा upon 1/2 sin 2 थीटा. कैसे आपको याद होगा, cos upon sin minus sin upon cos, ये cos का थीटा बनता है, sin का थीटा नीचे, sin थीटा cos थीटा आता है. तो वही चीज यहां पर भी दी हुई है, इसका मतलब ये हो जाएगा cos a upon 2 पर ले लो चाहो तो sin a, यानी 2 times of cot a is a right answer. इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए, एंगल रख के कर सकते थे, बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि एंगल की जरूरत नहीं है. बाकी आप चाहते तो आप ये कर सकते थे कि जैसे अगर मान लो आप 60 डिग्री रखते तो भी कर सकते थे, आप 60 रखते तो यह होता cot 30, दिस इज रूट 3 माइनस 1/√3, 3 माइनस 1 2/√3, यहां रखिए 60, देखिए 2/√3 आ गया, राइट, यानी एंगल से भी बहुत जल्दी कर सकते थे, फॉर्मूले से भी कर सकते थे. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, नोट करिए. यस, नेक्स्ट देखते हैं, 50 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. और मैंने आपको बिल्कुल 1 आवर में आप काउंट करें 50 के आसपास क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब बचे हुए क्वेश्चंस करने हैं. कैसे करेंगे बताता हूं. देखिए cot a प्लस cosec है, इसको भी ऑप्शन से जाके कर सकते हैं, tan a by 2 cot a by 2 2 tan a by 2 और 2 cot a by 2. आप कोई एंगल रख के भी कर सकते थे, आप एंगल वो रखिए जिससे कि आप स्पीड में बता पाए. जैसे अगर मैं मान लीजिए यहां पर 60 डिग्री ले लूं या 30 डिग्री ले लूं, 30 डिग्री लिया तो ये हुआ रूट 3 प्लस ऑफ 2, क्योंकि cosec 30 की वैल्यू ये हो गई. अब 30 डिग्री रख के देखिए यहां पर, अब 30 में आपको दिक्कत होती हाफ लगता है, इसलिए आप 60 ले लीजिए, 60 ले लीजिए तो आपका टाइम थोड़ा सेव होगा, यानी 1/√3 प्लस 2/√3 यानी 3/√3 रूट 3. अब ये रखे 60 डिग्री, तो यहां रखा 60 तो ये हो गया 30, ये नहीं है, यहां हो गया 30 और 30 रूट 3 होता है. दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर. मेथड पे जाने की जरूरत नहीं, बाकी मेथड पे जाना होता तो आप इसको चेंज करके, जैसे एक स्टेप में फॉर्मूले लिखे हुए हमने, 1 प्लस cos a अपॉन sin a एंड हाफ एंगल लगा दीजिए, 2 cos square a by 2 अपॉन 2 sin a by 2 cos a by 2, एक cos cancel एक 2 cancel, आंसर इज cot a by 2, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन.
Yes, next question देखते देखिए क्या है, what is the value of limit x tends to 0 sin x degree upon tan 3x degree. देखिए दोनों ही degree है, radian में change करेंगे, पर सीधा सा logic है, इसका answer हो गया 1 by 3 क्योंकि x degree बचा ये 3x degree, technique बताइए तो correct answer is B 1 by 3. पहले degree को radian में obviously change करेंगे, पर वो same ratio होने के वजह से time waste नहीं करना है. यहां पर आप x का डिवाइड करेंगे, यहां पर भी x का, ये 3 का मल्टीप्लाई इसलिए 3, यहां पर 1, बट इसकी जरूरत नहीं है. फिर एक और क्वेश्चन देखते देखिए, आपको याद होगा डिफरेंशियल इक्वेशन एरिया अंडर कर्व के रिवीजन में बोला था, एक क्वेश्चन हमेशा डिग्री का पूछा जाता है, ऑर्डर डिग्री का, तो इसमें आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में d3 / dx³ + केवल कंफ्यूज करने के लिए यहां होल स्क्वायर लगा है, पर अगर ध्यान दे तो अगर इसका ऑर्डर 4 है तो इसकी होल पावर 1 है तो डिग्री इसकी 1 हुई, 2 मत बोल दीजिएगा, बस मिस्टेक जो हो सकती थी वो यही हो सकती थी, राइट, नोट कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड डिग्री पॉलीनोमियल फंक्शन f(x) वेयर f0 इक्वल टू 5, f -1 इक्वल टू 10, एंड काफी सिंपल अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा आंसर सेकंड डिग्री पॉलीनोमियल को बता रहा है. देखिए आपको ऑप्शन कुछ ऐसे दिए, आप देख के बता सकते हैं कि ऑप्शन से बताना है 3x स्क्वायर - 2x - 5, 3x स्क्वायर - 2x + 5, 3x स्क्वायर - 10x + 5. अब देखिए सबसे पहले 0 रखने पे 5 कौन देता है, ये नहीं देता, कट. फिर देखिए 1 रखने पे 6 कौन देता है, तो ये नहीं देता, 1 रखने पे 6 रिजेक्ट. यस, 1 रखने पे 8 - 2 ये देता है, ये नहीं देता, तो करेक्ट आंसर इज सी, माइनस वन की जरूरत ही नहीं पड़ी, रखते तो वो भी 10 आ जाता. यानी आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो गए तब बहुत अच्छे से बेटा पेपर सॉल्व कर सकते हो, कभी भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी. नोट कर लीजिए क्वेश्चन.